गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी रैखिक समीकरण चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आप रैखिक समीकरण से रिलेटेड डिस्कवरी ट्रिक्स को समझ चुके हैं, उसके आधार पर एक क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं। आज डिस्कवरी ट्रिक्स से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। हम सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, डिस्कवरी ट्रिक्स को समझ जाएंगे, तो आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। x प्लस फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसे समीकरण हम एक मानते हैं। 2x प्लस एट वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, इसे समीकरण दो मानते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे x के पहले a1 का मान होता है समीकरण एक के लिए, तो यहाँ पर आप ही बता सकते हैं कि a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू 6, सेम प्रोसेस में चलेंगे समीकरण दो के लिए। तो दो के लिए हो जाएगा a2 का वैल्यू 2, b2 का 8 और c2 का 7। इसको मान को पुट करेंगे, लिखेंगे a1 बाई a2, a1 का वैल्यू 1, a2 का 2, तो 1/2, b1 बाई b2, b1 का वैल्यू 4 और b2 का 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2। अब लेंगे c1 बाई c2, c1 का वैल्यू, यहाँ c1 का वैल्यू है ना, c1 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 7, यहाँ 1/2 और 1/2 आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो इसको हम डिस्कवरी ट्रिक्स के दो नंबर लगाते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 आर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए समीकरण के असंगत एवं कोई हल नहीं होंगे। धन्यवाद।